ये है मैक्सलिंक का यूनिवर्सल स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल रिमोट, और इसके अंदर कंपनी की तरफ से दो रिमोट एक ये और एक ये, जो दोनों स्टीयरिंग के लेफ्ट एंड राइट साइड में लगते हैं, और एक इसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड, और बोर्ड पर इसकी वायरिंग लिखी हुई है किस टाइप से इसकी वायरिंग करनी है, और ये रबड़ इसमें इसको डाल करके स्टीयरिंग पे लगाना होता है, और इसको चार्ज करने के लिए एक यूएसबी वायर दिया हुआ है, और ये स्टीयरिंग पर रिमोट को चिपकाने के लिए दिया हुआ है। तो इसकी वायरिंग किस टाइप से की जाती है उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वायरिंग कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेड लाइन एस एसीसी, इसकी जो रेड वायर है इसको चाबी की करंट देना है, ये रेड वायर को। देन ग्राउंड वायर एस ब्लैक ग्राउंड, ये इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। देन ऑरेंज की वन, ये ऑरेंज वायर जो है इसको की वन से कनेक्ट करना है। देन ग्रे वायर की टू, इस ग्रे वायर को की टू से कनेक्ट करना है। तो ये एंड्रॉयड कपलर है, और इसकी कनेक्शन एंड्रॉयड कपलर से इसको चाबी की करंट देना है, तो रेड वायर से इसको कनेक्ट करना होगा। और ये ग्राउंड वायर ब्लैक ग्राउंड, इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है, और सारे कनेक्शंस को कनेक्ट करने के बाद इसमें अच्छी तरीके से सेलो टेप लगा लेना है। इसमें प्लस माइनस लगाने के बाद ये ऑन हो जाएगी, यहाँ पर रेड कलर की लाइट जलेगी अंदर में ये। देन ये ऑरेंज वायर, ऑरेंज वायर को की वन से कनेक्ट करना है, जो कि एंड्रॉयड कपलर में ये काली वाली वायर से, ये ग्राउंड काली वाली वायर से, ये चौथी वाली वायर, ये ब्लैक रेड देन पिंक, ये ऑरेंज वायर, इस पर की वन लिखा हुआ है, इससे कनेक्ट करना है। लास्ट ये ग्रे कलर की वायर, ग्रे कलर की वायर को की टू से कनेक्ट करना है। ये की टू वायर, ये येलो वाली वायर से तीसरी वायर, ये की टू वायर, यहाँ पर जो येलो वाली वायर है बैटरी की जिसमें करंट देते हैं, और ये की टू वायर, इससे कनेक्ट करना है। इस पर सेलो टेप लगा देना है सारे कनेक्शंस पर। इसकी कनेक्शन हो चुकी है, अब इसको एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बटन्स को पेयर करते हैं। ये T7 एंड्रॉयड कार स्टूडियो है, और इसमें ये रिमोट को लगा रहे हैं, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, कपलर को लगा देना है।
देन यहाँ ऐप्स में जाना है, देन स्टीयरिंग व्हील पर ओके करना है, स्टार्ट पर ओके करना है, और जो भी बटन यहाँ पर है इसको दबाए रखना है, देन एंड्रॉयड पर उसको टच करना है। सपोज़ पॉज के लिए ये बटन को हमने दबाया और यहाँ पर पॉज का ऑप्शन नहीं है, तो मोर में जाना है, पॉज पर टच करना है, देन वॉल्यूम प्लस के लिए वॉल्यूम प्लस को यहाँ पर हमने दबाया रिमोट में और वॉल्यूम प्लस को यहाँ पर टच किया, वॉल्यूम माइनस को दबाया वॉल्यूम माइनस, देन नेक्स्ट को यहाँ पर दबाया और यहाँ पर टच किया, देन प्रीवियस को दबाया प्रीवियस को टच किया, ये चारों बटन फिक्स हो गई। देन इस वाले रिमोट में ओके को दबाया और यहाँ पर ओके का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उसी का वर्क करेगा जो यहाँ पर टच करेंगे। तो यहाँ पर मैं मोड को ओके कर देता हूँ, तो इस पर मोड सेव हो गई इस ओके बटन पर। देन ये रिजेक्ट का है, तो रिजेक्ट बटन को हमने दबाया, देन यहाँ पर रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं है, तो मोर में ये रिजेक्ट, देन ये आंसर बटन है, तो आंसर को हमने दबाया, आंसर को यहाँ टच किया, देन ये दोनों बटन यहाँ पर नहीं है ये, तो इस वाले एरो की पर हम नेविगेशन को सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको दबाया ये नेवी, देन इस वाले बटन को मैं बैक में सेव कर देता हूँ एज ए बैक, तो इसको हमने दबाया और यहाँ पर बैक पर ओके कर दिया और एंड कर देना है। इस टाइप से सारे बटन्स इसमें सेव हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम प्लस को दबा रहा हूँ, ये वॉल्यूम प्लस हो रहा है, और इस पर मैं बैक को सेव किया हूँ तो इसको दबाऊँगा तो ये बैक हो जाएगी, अगेन दबाऊँगा तो और बैक हो जाएगी। इस बटन पे हमने नेविगेशन को सेव किया था, इसको दबाऊँगा तो नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगी गूगल मैप्स। तो इस टाइप से इसके सारे बटन इससे पेयर हो चुके हैं।